हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर वसीम आय खान, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभणी, महाराष्ट्र, इंडिया। सो इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट अंडर इंडियन पीनल कोड 1860, सेक्शन 378 टू सेक्शन 382 ऑफ इंडियन पीनल कोड वी विल डिस्कस। तो सारे सेक्शन जो डील करते हैं ऑफेंस ऑफ थेफ्ट से, वो आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस पर पूछे गए क्वेश्चन भी जुडिशियल एग्जामिनेशन में, वो भी डिस्कस करेंगे, और ऐसे क्वेश्चन जो जुडिशियल एग्जामिनेशन में पूछ सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ऑफेंस ऑफ थेफ्ट सेक्शन 378 टू 382 वी विल डिस्कस। सेक्शन 378 ऑफ इंडियन पिनल कोड डील्स विथ द डिफिनेशन ऑफ थेफ्ट। हुएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एंड एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजिशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेड टू कमिट थेफ्ट। सो दिस इज द लिटरल डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस ऑफ थेफ्ट अंडर सेक्शन 378। तो ये डेफिनेशन थी, इसी डेफिनेशन से निकलकर कुछ एसेंशियल्स आते हैं, वो एसेंशियल हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द पर्टिकुलर एसेंशियल मस्ट बी देयर टू कॉन्स्टिट्यूट द एक्ट एज अ थेफ्ट। सो डेफिनेशन से एसेंशियल इंग्रीडियंट से फर्स्ट वन इज दैट डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन। सो द डेफिनेशन स्टार्ट from the word whoever intending to take dishonestly, you know, dishonest intention to take the property of another. So dishonest intention must be there. If the intention is not a dishonest one, if in good faith if the person taken away the property of another person, it is not a theft. So what is essential? The intention of the person must be dishonest one. Person ka intention dishonest intention hona zaruri hai, तभी वो ऑफेंस थेफ्ट कहलाएगा, अदरवाइज नॉट। तो मैंने अगर फॉर एग्जांपल आपके पास से कोई प्रॉपर्टी आपके पोजीशन से लेकर जा रहा हूं मैं, और मेरा इंटेंशन ये है कि आपको नुकसान पहुंचाना, तो मेरा इंटेंशन डिसऑनेस्ट हो गया, इसलिए मैंने प्रॉपर्टी आपके पोजीशन से लेकर गया, तो ये इंटेंशन डिसऑनेस्ट हो गया। बट सपोज इफ आई मूव दैट प्रॉपर्टी इन गुड फेथ में लेकर जाता हूं, तो थेफ्ट नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज भूल कर चले गए, है ना, आपने चीज छूट गई आपसे, अब मैंने वो चीज उठा लिया और मैंने इस इंटेंशन से उठाया कि कल जब आप आओगे तो मैं आपको ये लौटा दूंगा, तो मेरा इंटेंशन क्या है? डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, गुड फेथ में मैंने वो प्रॉपर्टी वहां से उठाया। आई हैव टेकन अवे दैट प्रॉपर्टी इन गुड फेथ, तो आई विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। मैं थेफ्ट के लिए लायबल नहीं रहूंगा क्योंकि मैंने गुड फेथ में वो किया था। तो इंटेंशन डिसऑनेस्ट होना चाहिए तभी थेफ्ट कहलाएगा, अदरवाइज नॉट। सेकंड वन इज द प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल, ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू एंड लायबल टू बी थेफ्ट। सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की ही चोरी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी नहीं हो सकती है। घर चोरी नहीं हो सकता है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी चोरी नहीं हो सकती। अगर इफ द प्रॉपर्टी इज मूवेबल वन तो ही वो चोरी हो सकती है। तो प्रॉपर्टी जिसकी चोरी हुई वो मूवेबल होना जरूरी है। इफ द मूवेबल प्रॉपर्टी इज देयर देन ओनली द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट टू प्लेस, अदरवाइज नॉट। थर्ड वन इज सच अ प्रॉपर्टी मस्ट बी टेकन अवे फ्रॉम द ओनर, है ना, व्हेन द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट विल बी देयर। सपोज इफ आई एम हैविंग अ पोजीशन ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इफ यू हैव टेकन अवे दैट प्रॉपर्टी आउट ऑफ माई पोजीशन, if you have taken away the property from my possession, then only you will be liable for the offense of theft, otherwise not. मेरे पास property है, movable property, वो property dishonest intention से आपने मेरे पास से लेकर गए, तो क्या हो गया, मेरे possession से आपने लेकर चले गए, तो आप theft के लिए liable रहोगे। The property must be taken away from the possession of owner. Theft के लिए owner के possession से property ली जाई होना जरूरी है। नेक्स्ट वन इज सच अ प्रॉपर्टी मस्ट बी टेकन अवे विदाउट द कंसेंट ऑफ सच एन इंडिविजुअल। सो द पर्सन मस्ट टेकन अवे दैट मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ ओनर विदाउट हिज कंसेंट। भाई फॉर एग्जांपल मेरे पोजीशन में एक प्रॉपर्टी, मेरा मोबाइल है फॉर एग्जांपल, और आप मेरे पास आए
है ना, और आपने वो प्रॉपर्टी, वो मोबाइल मेरे पास से इजाजत लेकर, परमिशन लेकर ले गया कि मुझे कॉल करना है, मुझे जरा मोबाइल दे दो, और मोबाइल आपने लेकर गए। मेरे पोजीशन से आपने मोबाइल तो लेकर गए लेकिन विद कंसेंट लेकर गए, तो ये थेफ्ट के लिए आप लायबल नहीं रहोगे। पर सपोज आई लेफ्ट माय मोबाइल बिसाइड मी एंड इफ यू हैव टेकन दैट मोबाइल फ्रॉम माय पोजीशन विदाउट माय कंसेंट, यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। मैंने मेरा मोबाइल रखा हुआ है, आपने वो मोबाइल मेरे पोजीशन से लेकर गए मेरे कंसेंट के बगैर, मुझे नुकसान पहुंचाने के इरादे से, तो आप थेफ्ट के लिए लायबल रहोगे। तो विदाउट कंसेंट होना जरूरी है। देखिए, जॉन फाइंड्स अ रिंग बिलोंगिंग टू पीटर ऑन अ टेबल इन द हाउस विच पीटर ऑक्युपाइज। पीटर का घर था, पीटर के घर में पीटर के टेबल पर पीटर की रिंग रखी हुई थी जो जॉन को मिली वहां पर। अब क्या हुआ, हियर द रिंग इज इन पीटर्स पोजिशन। जॉन पीटर के घर में थी, पीटर के टेबल पे पीटर की रिंग थी, मतलब वो रिंग पीटर के पोजेशन में थी। अब हुआ ऐसा, एंड इफ जॉन डिसऑनेस्टली रिमूव्स इट, जॉन कमिट्स थेफ्ट। तो अब अगर वो जॉन वहां से, वो टेबल से रिंग उठाकर अगर लेकर जाता है डिसऑनेस्टली, तो जॉन विल बी हेल्ड लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, क्योंकि वो जो रिंग थी वो पीटर के घर में पीटर के पोजेशन में थी, पीटर के कंसेंट के बगैर डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ अगर जॉन वो रिंग लेकर जाता है तो जॉन थेफ्ट के लिए लायबल रहेगा। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, जॉन फाइंड्स अ रिंग लेइंग ऑन द हाई रोड नॉट इन द पोजिशन ऑफ एनी पर्सन। जॉन को रिंग मिली कहां पर, एक रोड पर पड़ी हुई थी, किसी पर्सन के पोजिशन में नहीं थी, रोड पर पड़ी हुई थी जॉन को मिली। जॉन बाय टेकिंग इट कमिट्स नो थेफ्ट। अब जॉन को मिली, जॉन ने ले लिया, तो जॉन ने चोरी किया क्या, नहीं, ही हैज नॉट कमिटेड द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। दो ही मे कमिट क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, वो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए लायबल हो सकता है अगर वो रिंग उसने खुद के पर्पज के लिए यूज किया तो, बट ही विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, वो थेफ्ट के लिए लायबल नहीं है क्योंकि जब वो उसे रिंग मिली रोड पर तो वो किसी के पोजिशन में नहीं थी। तो थेफ्ट के लिए जरूरी है कि ओनर के पोजेशन में से अगर कोई पर्सन डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ वो प्रॉपर्टी लेकर जाता है तो ऑफेंस ऑफ थेफ्ट होगा, अदरवाइज नॉट। अब देखिए प्यारेलाल भार्गव वर्सेस स्टेट AIR 1963 का केस है। इन दिस केस अ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू अ फाइल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस एंड प्रेजेंटेड इट टू समवन एल्स एंड ब्रॉट इट बैक टू द ऑफिस आफ्टर टू डेज ऑफ टेकिंग इट अवे। इस केस में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई था, उसने अपने गवर्नमेंट ऑफिस की एक फाइल लेकर गया किसी और को दिखाने के लिए, है ना, और दो दिन के बाद वापस से लाकर उसने उस अलमीरा में फाइल रख दी। इट वॉज हेल्ड इन दिस केस दैट परमानेंट टेकिंग अवे ऑफ पर्सन प्रॉपर्टी इज नॉट इसेंशियल। भले ही उसने दो दिन के लिए लेकर गया था, बाद में लाकर वापस लेके गया, परमानेंट लेकर नहीं गया उसने, परमानेंटली लेकर नहीं गया, तो कोर्ट ने यहां पर यह बोला कि परमानेंटली ले जाना जरूरी भी नहीं है, परमानेंटली प्रॉपर्टी को लेकर जाना जरूरी भी नहीं है, नॉट इसेंशियल। इवन अ टेम्पररी टेक अवे ऑफ द प्रॉपर्टी विथ डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज इनफ टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। तो क्या है, टेम्पररी टेक अवे भी है, थोड़ी देर कर भी लेके अगर डिसऑनेस्टली लेकर जाता है कोई प्रॉपर्टी को तो थेफ्ट के लिए लायबल रहेगा, परमानेंट ले जाने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट इज देयर, अ थिंग सो लॉन्ग एज इट इज अटैच्ड टू द अर्थ नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट बट इट बिकम्स कैपेबल ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट एज सून एज इट इज सीवियर्ड फ्रॉम द अर्थ। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉपर्टी जमीन से जुड़े हुई अटैच्ड है तो वो थेफ्ट के लिए लायबल नहीं रहेगी। कब तक नहीं रहेगी, जब तक उसको सीवियर ना किया जाए, जब से उसको जमीन से अलग ना किया जाए। फॉर एग्जाम्पल एक पेड़ है, पेड़ थेफ्ट के लिए नहीं है क्योंकि वो इमूवेबल है, लेकिन जैसा ही पेड़ को काट दिए वो बन गया मूवेबल, अब उसकी चोरी हो सकती है। एक्सप्लेनेशन ने क्लियर किया है। एक्सप्लेनेशन सेकंड इज दैट अ मूविंग इफेक्टेड बाय द सेम एक्ट विच इफेक्ट द सीवियरेंस मे बी अ थेफ्ट। मतलब काटे और उसको लेकर गए तो वो दोनों एक्ट सेम है और वो थेफ्ट कहलाएगा। एक्सप्लेनेशन सेकंड। एक्सप्लेनेशन थर्ड इज देयर, अ पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टिकल विच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग और बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर थिंग एज वेल एज बाय एक्चुअली मूविंग इट। तो फॉर एग्जाम्पल एक आधी चीज को ले जाने में अगर कोई ऑब्स्टिकल है और वो ऑब्स्टिकल अगर कोई पर्सन रिमूव कर रहा है तो वो जिसने ऑब्स्टिकल रिमूव किया वो पर्सन उस प्रॉपर्टी के चोरी के लिए लायबल होगा, क्योंकि वही ऑब्स्टिकल उस प्रॉपर्टी को चोरी होने से बचा रहा था और वही ऑब्स्टिकल रिमूव किया, दैट पर्सन विल बी हेल्ड लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। एक्सप्लेनेशन फोर इज देयर, अ पर्सन हु बाय एनी मींस कॉजेस एन एनिमल टू मूव इज सेड टू मूव दैट एनिमल एंड टू प्रूव एवरीथिंग विच
and to move everything which in consequences of the motion so caused is moved by that animal. तो यहां पर भी वही है कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी का मेरे पोजिशन में मेरा फॉर एग्जाम्पल एक पेट डॉग है और दूसरे पर्सन ने क्या किया, वो मेरे पोजिशन से उस एनिमल को लेकर गया. फॉर एग्जाम्पल कुछ कुत्ते खाने के बिस्किट है, वो बिस्किट बताकर उसने मेरे पोजिशन से उसको दूर लेकर गया, तो उसने ऑफेंस ऑफ थिफ्ट किया, ऐसा ट्रीट होगा एक्सप्लेनेशन फोर में. फिफ्थ वन इज दैट द कंसेंट मेंशन इन द डेफिनेशन मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एंड मे बी गिवन आइदर बाय द पर्सन इन पोजिशन और बाय एनी पर्सन हैविंग फॉर दैट पर्पज अथॉरिटी आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. तो कंसेंट इम्प्लाइड भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है, जिसके पोजिशन में प्रॉपर्टी है वो पर्सन की. अब महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, थेफ्ट इज सेड टू हैव बीन कमिटेड व्हेन द अक्यूज्ड मूव्ड अवे द प्रॉपर्टी ऑफ समवन एल्स, took away the property without the consent of the owner, dishonestly took away the movable property without the consent of the person in possession, dishonestly induced a person putting him in fear of injury or delivered to the property to him. यहाँ पर क्या है? Take dishonestly any movable property out of the possession of any person without the person's consent. तो option third is the correct answer. Another question. 2014 Maharashtra Judicial Examination. A and B are joint owners of the bullock cart. B takes the bullock cart out of the possession of A. What offense B has committed? Theft, cheating, dishonest misappropriation, none of the above. तो यहाँ पर none of the above is the correct answer. मैं और आप अगर for example joint owner है एक आधे property के, तो मेरा भी उतना ही अधिकार है, आपका भी उतना ही अधिकार है. अगर मैं वो property लेकर निकलता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, आपके पोजीशन से मैं लेकर भी जाता हूं, तो मैं भी ओनर हूं, तो मैंने थिफ्ट नहीं किया, ना तो मैंने चीटिंग की, ना तो डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन किया, तो आई विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर एनी ऑफेंस. नेक्स्ट वन इज 2012 थेफ्ट इज कमिटेड व्हेन अ मूवेबल प्रॉपर्टी इज टेकन अवे सीक्रेटली विदाउट कंसेंट ऑफ इट्स ओनर, अ मूवेबल प्रॉपर्टी इज रिमूव्ड फ्रॉम द कस्टडी ऑफ इट्स ओनर, अ मूवेबल प्रॉपर्टी इज स्नैच्ड फ्रॉम द हैंड्स ऑफ इट्स ओनर, नन ऑफ द अबो. तो अगर हम देखें तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. अ मूवेबल प्रॉपर्टी इज टेकन अवे सीक्रेटली विदाउट द कंसेंट ऑफ ओनर, के कंसेंट के बगैर अगर प्रॉपर्टी ले जाई जाती है तो वो थेफ्ट होगा. उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ थेफ्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी, पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी, ओनरशिप ऑफ दैट प्रॉपर्टी, रिमूवल ऑफ दैट प्रॉपर्टी. ओनरशिप ऑफ दैट प्रॉपर्टी इज नॉट एसेंशियल. मेरे पोजेशन में अगर आपकी भी प्रॉपर्टी है लेकिन पोजीशन मेरा है, तो मेरे पोजीशन में से अगर कोई प्रॉपर्टी लेकर जाएगा तो थेफ्ट के लिए लायबल रहेगा, भले ही मैं ओनर नहीं हूं, उस प्रॉपर्टी का ओनर आप हो. ओनरशिप ऑफ दैट प्रॉपर्टी इज नॉट एसेंशियल, एसेंशियल नहीं है. अब सेक्शन 379 पनिशमेंट फॉर थेफ्ट है, हूएवर कमिट्स थेफ्ट शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ. चोरी करेगा 379 में उसको पनिशमेंट होगी, 3 साल तक की सजा विद फाइन या दोनों भी हो सकता है. उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, सेक्शन 379 ऑफ इंडियन पिनल कोड डिफाइंस ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर थेफ्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस. तो प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर थेफ्ट, थेफ्ट की पनिशमेंट कहां है? सेक्शन 379 में. सेक्शन 380 थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस. सो हूएवर कमिट्स थेफ्ट इन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल, विच बिल्डिंग, टेंट और वेसल इज यूज्ड एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग और यूज फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी. सेक्शन 380 क्या कहता है कि कोई पर्सन ऐसे बिल्डिंग में चोरी करता है या ऐसे टेंट में या ऐसे शिप में चोरी करता है जो कि काय के लिए यूज हो रही है, फॉर ह्यूमन ड्वेलिंग, लोगों के रहने के लिए यूज हो रही है, या फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी रखने के लिए यूज हो रहा है, चाहे वो बिल्डिंग हो, टेंट हो या वेसल हो. तीनों सिचुएशन में अगर वो प्रॉपर्टी रखने के लिए यूज हो रही है बिल्डिंग या लोगों के रहने के लिए यूज हो रही है, ऐसे जगह पर अगर चोरी करेगा पर्सन, सेक्शन 388 कहता है शाल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड शाल आल्सो बी लायबल टू फाइन. तो कितने साल की पनिशमेंट? 7 साल तक की पनिशमेंट, साथ ही साथ फाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा. तो फॉर एग्जाम्पल एक अगर कोई किसी के घर में जाकर चोरी करता है तो वो पनिशमेंट कौन से सेक्शन में होगी उसकी? थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, सेक्शन 380 में पनिशमेंट होगी उसको. रेलवे वेटिंग रूम इज अ बिल्डिंग विच इज यूज फॉर ह्यूमन ड्वेलिंग. रेलवे बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग है जो कि लोगों के रहने के लिए यूज होती है, वेटिंग रूम. थेफ्ट ऑफ आर्टिकल फ्रॉम द रूफ ऑफ द हाउस कैन फॉल अंडर दिस सेक्शन. तो वहां से अगर चोरी होती है तो वो सेक्शन 380 में कवर होगा. 381 थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर.
whoever being a clerk or servant or being employed in the capacity of a clerk or servant, अगर कोई servant रहते हुए या clerk होते हुए या कोई as a clerk or servant अगर नौकरी कर रहा है, commits theft in respect of any property in the position of his master or employer, जो अपने master के जो अपने employer के position में property है उसकी चोरी करता है. अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एम्प्लॉयर हूं, मैंने क्लर्क अपॉइंट किया, वो क्लर्क ने मेरे पोजीशन में की प्रॉपर्टी अगर चोरी कर ली फॉर एग्जाम्पल मूव किया, तो उसको पनिशमेंट कितनी होगी? ही शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, 7 साल तक की सजा, साथ ही साथ फाइन के लिए भी वो लायबल रहेगा. इसेंशियल इंग्रीडियंट्स है सेक्शन 381 के, अक्यूज्ड वाज क्लर्क एंड सर्वेंट. सेक्शन 381 में अगर किसी को पनिशमेंट देना है तो वो क्लर्क या सर्वेंट रहना जरूरी है. सेकंड वन इज अक्यूज्ड हैड कमिटेड थेफ्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, उसने चोरी करा हुआ रहना जरूरी है. एंड द थर्ड वन इज सच प्रॉपर्टी वॉज इन पोजिशन ऑफ हिज मास्टर और एम्प्लॉयर, जिसने उसको अपॉइंट किया था वो प्रॉपर्टी उसके पोजिशन में थी, ये प्रूव होना जरूरी है, तभी सेक्शन 381 में पनिशमेंट होगी, अदरवाइज नॉट. होगा कैसा कि फॉर एग्जाम्पल मेरा क्लर्क है, किसी और के पोजिशन से उसने प्रॉपर्टी चुराया, तो सेक्शन 381 में उसको पनिशमेंट नहीं होगी. उसको सेक्शन 381 में पनिशमेंट कब होगी? मैंने उसको अपॉइंट किया, मेरा वो क्लर्क है, मेरे पोजीशन में से अगर प्रॉपर्टी चोरी करेगा तो सेक्शन 381 में पनिशमेंट होगी, अदरवाइज नॉट. वल्लभ राम वर्सेस एम्परर, इन दिस केस अ क्लर्क टुक ऑफिशियल पेपर्स आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ अनदर पर्सन हु हिमसेल्फ इज अनदर क्लर्क ऑफ तहसील ऑफिस विदाउट ममलतदार कंसेंट विद अ व्यू टू शो टू द लॉयर ऑफ वन ऑफ द पार्टीज टू द केस. यहां पर एक क्लर्क ने क्या किया, दूसरे क्लर्क के पोजीशन से एक फाइल डॉक्यूमेंट्स लेकर गया जो कि तहसील ऑफिस के पोजीशन में थे, एडवोकेट को बताने के लिए उस केस से रिलेटेड वो पेपर्स बताने के लिए लेकर गया. अब द कोर्ट हेल्ड दैट इट इज थेफ्ट बाय द क्लर्क एंड इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 381. तो उसने चोरी किया क्योंकि विदाउट कंसेंट लेकर गया था, तो सेक्शन 381 में अक्यूज्ड को पनिशमेंट हुई इस केस में. नाउ सेक्शन 382, थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ हर्ट और रेस्ट्रेंट. सेक्शन 382, whoever commits theft having made preparation for causing death or hurt or restraint or fear of death or of hurt or of restraint to any person. bhai chori to kiya lekin chori karte hue usne aisi kuch cheeze kiya ki jisse wo jo person hai jiske possession se wo property lekar ja raha hai uska preparation tha ki agar wo resist karega to main usko jaan se maar dunga ya usko injure karunga, hai na. agar is aim se chori karta hai तो एंड इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ सच थेफ्ट और इन ऑर्डर टू द इफेक्टिंग ऑफ एस्केप आफ्टर द कमिटिंग ऑफ थेफ्ट, वो चाहे वो जो डेथ या हर्ट है उसका प्रिपरेशन कर रहा है, वो काय के लिए? चोरी करने के लिए किया तब भी, या फॉर एग्जांपल चोरी करने के बाद जब वापस निकलूंगा मुझे कोई रोकेगा तो मैं उसको इंजोर करूंगा, ये एम से भी किया तब भी सेक्शन 382 में पनिशमेंट होगी. और इन ऑर्डर टू रिटेनिंग ऑफ द प्रॉपर्टी टेकन बाय सच थेफ्ट, अगर वो चोरी किए हुई प्रॉपर्टी को रिटेन करने के लिए अपने पास रखने के लिए भी अगर प्रिपरेशन कर रहा है, कोई आएगा तो मैं उसको हर्ट करूंगा, अगर इस तरीके से उसका चोरी के पीछे का इंटेंशन है तो सेक्शन 382 में उसको पनिशमेंट होगी. ही शैल बी पनिश्ड विथ रिगरस इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, 10 साल तक की सजा और साथ ही साथ फाइन के लिए वो लायबल रहेगा. देखिए, ए कमिट्स थेफ्ट ऑन प्रॉपर्टी इन जेड्स पोजीशन, ए ने जेड के पोजीशन से चोरी की. अब हुआ ऐसा कि एंड व्हाइल कमिटिंग दिस थेफ्ट ही हैज अ लोडेड पिस्टल अंडर हिज गारमेंट हैविंग प्रोवाइडेड दिस पिस्टल फॉर द पर्पज ऑफ हर्टिंग जेड इन केस जेड शुड रेजिस्ट. यहां पर उसने क्या किया, चोरी करते वक्त अपने साथ पिस्टल लेकर गया उसने, और उसके प्रिपरेशन क्या था कि अगर जेड रेजिस्ट करेगा यानी हर्डल क्रिएट करेगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि मैं उसको इंजोर करूंगा, मेरे पास पिस्टोल है मैं उसको डराऊंगा, उसको धमकाऊंगा, लाइक दैट. इस इरादे से उसने गन लेकर गया उसके साथ में, तो उसने पनिश उन्हें कौन सा ऑफेंस किया, सेक्शन 382 में he has committed the offense defined in this section. तो सेक्शन 382 का ऑफेंस किया ऐसा ट्रीट होगा कि अगर कोई वेपन साथ में लेकर जा रहे हैं कि मैं पकड़ा भी जाऊं तो मैं उसको मारूंगा वहां पर और वहां से भाग निकलूंगा, इस इरादे से इस प्रिपरेशन के साथ चोरी करेगा, सेक्शन 382 में पनिशमेंट होगी उस चोर को. दिस इज द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट वी हैव डिस्कस्ड. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बटन, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच.